अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन रियल लाइफ प्रॉब्लम के साथ, और इसको भी हमने थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। क्वेश्चन है हमारे पास, द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ थ्री पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड देम। यहाँ पर बात हो रही है हमारे पास तीन पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स की, और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग स्टार्ट से देखें तो सम ऑफ द स्क्वेयर, वो कह रहे हैं कि उनके स्क्वेयर का सम वो बराबर है आप लोगों के पास 77 के, तो फाइंड देम, उन नंबर्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने उन नंबर्स को सपोज करवा दिया x, x प्लस वन और x प्लस टू, क्योंकि x है तो x के बाद आपके पास x प्लस वन आएगा और उसके बाद x प्लस टू आएगा, और ये तीनों आप लोगों के पास पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। इसके बाद हम कंडीशन यूज करेंगे, नाउ बाय गिवन कंडीशन, उस कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द स्क्वेयर्स, तो ये बन जाएगा पहले नंबर का स्क्वेयर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वेयर और प्लस तीसरे नंबर का स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये बराबर है 77 के। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपनी जगह पे आ जाएगा, ये फार्मूला बन गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी। यहां भी फॉर्मूला है हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी इज इक्वल टू 77, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वन, इसे प्लस टू एक्स आ जाएगा, ये भी हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये टू स्क्वेयर है तो टू स्क्वेयर बन जाएगा फोर, और ये बन जाएगा टू टू जार फोर, साथ आ जाएगा एक्स, और ये 77 है, तो 77 को हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आप लोग के पास इधर आके बन जाएगा -77। अब यहाँ देखिए, ये भी एक्स स्क्वेयर, ये भी एक्स स्क्वेयर और ये भी एक्स स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास थ्री एक्स स्क्वेयर। इसके बाद ये है टू एक्स और ये है 4x, तो ये बन जाएगा 6x, और यहां पर आप लोग के पास ये है 1 और ये है 4, तो 1 प्लस 4 आप लोग के पास बन जाएगा 5, और 5 -77 तो इधर आ जाएगा आप लोग के पास -72 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब अगर यहां पर आप लोग देखो गौर से इस क्वेश्चन को, आप लोग ऑब्जर्व करो, तो इसमें आप लोग के पास 3 है, उसके बाद आप लोगों के पास है 6 और उसके बाद है 72, ये तीनों आप लोगों के पास 3 के टेबल में मौजूद है, तो हम यहां से 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वेयर, ये हो जाएगा 2x, और यहां पर आप लोग के पास रह जाएगा 24, और अभी यहां पर आप लोग दोनों साइड को 3 पे डिवाइड करेंगे, सो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 3, बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, तो हमारे पास रिमेनिंग यहां पर रह जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और -24। तो अभी हमने इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन से ये हो जाएगा, दो नंबर हम फाइंड करेंगे जिनको अगर ऐड किया जाए तो उससे रिजल्ट आप लोग के पास आ जाए 2, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे रिजल्ट आ जाए आप लोग के पास -24, तो 6 - 4 2 आएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाई -4 से 24 आ जाएगा आप लोगों के पास। और यहाँ पर x कॉमन करें, सो x प्लस 6, और यहाँ से -4 कॉमन करें, तो ये भी x प्लस 6 आ जाएगा, अगेन x प्लस 6 कॉमन है, इधर आप लोगों के पास रह जाएगा x माइनस 4, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो बाई 0 फैक्टर प्रॉपर्टी आप लोगों के पास या तो x प्लस 6 0 के बराबर है, और या आप लोग के पास x माइनस 4 0 के बराबर है, तो x इज इक्वल टू -6 आ जाएगा, और यहाँ पर आप लोग के पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। लेकिन अब यहाँ पर आप लोग इस चीज को गौर से देखो, यहाँ पर x की वैल्यू -6 आ गई, हमने शुरू में ये बात की हुई थी कि आप लोगों के पास ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव हैं, तो इसी वजह से आप लोग के पास ये पॉसिबल नहीं होगा, ये नंबर
पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि बात हमारे पास पॉजिटिव की हो रही है, एक्स इक्वल टू फोर हमारे पास पॉसिबल है। तो अभी हम होती है नंबर यहाँ पर लिखवा देते हैं, दस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर्स आर एक्स इक्वल टू फोर। दूसरा आप लोगों के पास जो नंबर आप लोगों ने वो था एक्स प्लस वन था, एक्स की वैल्यू फोर थी तो फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव। और तीसरा आप लोगों के पास जो था वो था एक्स प्लस टू, तो एक्स की वैल्यू तो आप लोगों के पास फोर थी, फोर प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स। तो आप लोगों ने यहाँ पर देख किया कि आपके पास वो तीन के तीन नंबर आप लोगों ने फाइंड कर लिए, एक नंबर आप लोगों के पास सिक्स था, एक नंबर आप लोगों के पास फाइव था, और एक नंबर आप लोगों के पास फोर था। और ये तीनों अगर आप लोग देखो इसको, तो ये आप लोग के पास कंसेक्यूटिव है, एक दूसरे के बाद आ रहे फोर फाइव एंड सिक्स। तो अब अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहो तो ये वैल्यूज आप लोग यहाँ पर पुट करें तो उसका रिजल्ट आप लोग के पास 77 ही आएगा। वेरिफिकेशन ये होगी, यहाँ फोर पुट करें तो फोर फोर स्क्वेयर हो जाएगा, इधर एक्स प्लस वन की वैल्यू फाइव थी इधर फाइव पुट करें, और इधर एक्स प्लस टू की वैल्यू सिक्स थी तो ये बन जाएगा सिक्स स्क्वेयर, क्योंकि बाई कंडीशन सम ऑफ द स्क्वेयर की बात हो रही थी। तो ये बनेगा 16 प्लस 25 और प्लस 36, इनको ऐड करें देखिए तो 16 प्लस 25 आप लोग के पास 41 आएगा, और 41 प्लस 36 ये बन जाएगा 77। तो आप लोगों ने देख लिया कि आप लोगों के पास यही वो तीन नंबर थे जो पॉजिटिव भी थे और कंजेक्टिव भी थे। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।